हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो का मुख्य जो हमारा टॉपिक है वो है रेड कलर की फ्लेम या येलो कलर की फ्लेम क्यों हो जाती है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अलग अलग जेट लगाने से गैस जो हमारा फ्लेम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं सभी प्रकार की आपको जेट लगा के इसमें बताऊँगा, वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपको गैस रिपेयर की पूरी जानकारी लेनी है तो मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बना के अपलोड किए हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए कि रेड कलर की फ्लेम क्यों आती है, नॉब टाइट क्यों हो जाती है, गैस जलते समय आवाज़ क्यों करता है, इसी प्रकार की और बहुत से कमेंट आए। और मैंने सोचा एक नया वीडियो बनाया जाए जिसमें इन सभी समस्याओं का सोल्यूशन पेश किया जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नई बातें सीखते हैं। तो पहली बात आपको बता दूं कि ये जो गैस चूल्हा है, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो 6 महीने साल में एक बार तो ये क्लीनिंग करना ही पड़ता है। तो क्यों ना हम इसे घर पर ही सीख लें इससे संबंधित सारी बातें। तो अब आगे मैं इस चूल्हे की फ्लेम दिखा देता हूँ पहले आपको। ये देखिए, आपको दिख रही होगी ये ब्लू कलर की फ्लेम है, लेकिन बीच बीच में आपको दिख रहा होगा रेड कलर का टिंट भी आ रहा है। ये देखिए, बीच बीच में ब्लू कलर की फ्लेम होने के बावजूद थोड़ा सा इसमें रेड कलर आ रहा है। इसमें 77 नंबर का जेट अभी लगा हुआ है। अब मैं आपको सिंपल सी एक टेक्निक बताता हूँ आपको समझाने के लिए, हालांकि उसका आपको ज्यादा बेनिफिट उससे तो नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक पाइप ली है, पतली पाइप है, ऐसी कोई भी आप पाइप ले सकते हैं, हालांकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और ये हमारे मिक्सिंग ट्यूब है गैस की, ये देखिए इस प्रकार की मिक्सिंग ट्यूब है। और ये जो पाइप है इसको फिटिंग हिला, इसको निकालना नहीं है, इसके अंदर ही आपको पाइप को क्या करना है, इस जगह पे या फिर थोड़ा यहां पर आप अंदर की तरफ डाल देंगे इस जगह पे। आप डायरेक्टली चूल्हे के कोई आपको पार्ट खोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये पाइप नीचे की साइड, ये गैस चूल्हे के नीचे यहाँ आपको होल मिल जाएगा इस जगह, और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ आप खिसका दीजिए अंदर की तरफ, यहाँ यहाँ से नहीं दिख पाएगा। तो ये मैंने पाइप इसमें लगा दी है। अब मैं आप क्या करता हूँ, गैस को जलाता हूँ और ये आप देखेंगे फ्लेम का कलर है वो चेंज हो रहा है, ज्यादा ही रेड कलर की आ रही है क्योंकि हवा थोड़ी ब्लॉक हो चुकी है इस पाइप को लगा देने की वजह से। इस पाइप का ये दूसरा सिरा मेरे पास है और इसमें मैं हल्के हल्के मुंह से थोड़ी हवा इसमें डालता हूँ और फिर देखिए कुछ परिवर्तन आता है क्या, ये फ्लेम में ये पाइप निकल गई, इस वजह से फ्लेम वापस ओके हो गई है। एक बार मैं गैस को बंद कर देता हूँ, दोबारा पाइप लगा देता हूँ। इस पाइप को मैंने थोड़ा आगे तक यहाँ तक डाल दिया ताकि ये निकले नहीं, फिर मैं गैस को जलाता हूँ। ये देखिए पाइप यहाँ तक आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली ये दूसरी मिक्सिंग ट्यूब है। अब मैं इसमें थोड़ा एयर का ब्लो करूंगा, हवा इसमें थोड़ी मुंह से डालता हूँ। तो आपने देखा जब हम इसमें हवा का प्रेशर करते हैं तो ये फ्लेम जो है उसमें चेंज होता है। कहने का मतलब यही है कि हमारे जेट और जो गैस का मिक्सिंग है, सॉरी एयर का जो मिक्सिंग है, वो अगर ओके है तो हमारा गैस बिल्कुल ओके जलेगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मिक्सिंग ट्यूब मैंने पहले भी बताया वीडियो में, यहां से प्रेशर के साथ जब गैस जाती है तो यहां से एयर मिक्स होती है और आगे जाकर के यहां इस जगह पे वो टकराती है, टकराने के बाद यहां चारों ओर फैलती है और बर्नर से बाहर आके वो जलती है। तो रेड फ्लेम आने का मुख्य कारण यही है कि आपको सही जेट लगा देना चाहिए गैस में। अगर गैस जेट जो है वो सही नहीं है तो एयर का मिक्सिंग सही नहीं रहेगा और इस वजह से हमारा जो गैस चूल्हा है वो रेड कलर की या ऑरेंज कलर की फ्लेम देगा। दूसरी बात, हमारे ये जो इसमें होल बने हुए हैं कई बार ये ब्लॉक हो जाते हैं, इनमें कचरा आ जाता है, इनको आपको साफ कर लेना चाहिए। वैसे आप इन्हें एक तिल्ली लेकर के घुमा घुमा करके एक एक होल को साफ कर सकते हैं अच्छी तरह से, कोई ब्रश तो शायद इसमें जा नहीं पाएगा तो ब्रश से साफ नहीं होगा, तिल्ली से अच्छी तरह घुमा करके साफ कर सकते हैं। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि ये बर्नर है इनके ब्लॉकेज को कैसे साफ करें, तो मैं आपको बता दूं, कुछ देर आप इसे पानी में भिगो करके रखिए, काफी देर, घंटे 2 घंटे भिगो के रखिए ताकि जो भी इसके अंदर मैल है या कोई डस्ट है वो थोड़ी लूज हो जाए। उसके बाद माचिस की तिल्ली लीजिए और उसको घुमा घुमा करके आप इसको साफ कर सकते हैं। इस प्रकार से माचिस की तिल्ली लीजिए और घुमाते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो होल है वो साफ हो जाएंगे इस प्रकार से। मैंने तो इसे साफ किया हुआ है। दूसरा तरीका ये भी है, आप ड्रिल ले सकते हैं इस साइज का और ड्रिल मशीन के यूज से भी इन होल को साफ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कई बार गैस चूल्हे में आवाज आती है वो क्यों आती है, उसका कारण मैं बताऊंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बर्नर को हटा देता हूँ। ये बर्नर को मैंने हटा दिया है और अब मैं आपको जला के बताता हूँ। अभी आप देखेंगे हमारे गैस यहाँ सामने आ रही है और टक्कर खाने के बाद नीचे की साइड में जल रही है, तो ये क्या होता है कि ये आवाज करेगा हमारा चूल्हा, और कुछ देर बाद ये हमारी मिक्सिंग ट्यूब है वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है कि बंद कर देता हूँ पहले। तो कारण क्या होता है कि हमारा ये जो ऊपर का ये जो बर्नर है ये यहाँ सही ढंग से फिटिंग नहीं हुआ होता, इस वजह से क्या होता है गैस इस बर्नर से ऊपर आके नहीं जलती,
इसके अंदर ही जलने लग जाती है और ये गर्म भी होने लग जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कई बार हमारा गैस चूल्हा आवाज क्यों करता है। अगर आप बिना बर्नर के इसको चलाएंगे तो इस प्रकार की कोई ना कोई आवाज करेगा, ये देखिए। और इसके ऊपर बर्नर अभी लगा देंगे तो भी ये आवाज बंद नहीं होगी, क्योंकि गैस हमारी जल तो रही है लेकिन वो बर्नर के बिल्कुल नीचे जल रही होती है। अभी मैं इसी बर्नर को, ठंडा हो गया ये, वापस लगा देता हूं। कई बार हम बर्नर को यूं रख देते हैं और एक साइड से ये उठा हुआ रहता है या फिर यहां से कट जाता है और हमारे गैस है वो बर्नर के नीचे ही बर्न होने लग जाती है। इसका एक और भी कारण है, कई बार हम इसके ऊपर भगोला रख देते हैं तो यहाँ उसके बाद हमें भगोला रखने के बाद इसको इग्नाइट करते हैं तो भी ये आवाज करेगा, क्योंकि गैस नीचे की साइड जल रही है, बर्नर से ऊपर आके नहीं जल रही है। इसके अलावा जो रेड कलर या येलो कलर की फ्लेम आने का एक और कारण होता है कि गैस है हमारे जो सिलेंडर में जो गैस है एलपीजी वो बिल्कुल प्योर नहीं होती, कई बार उसमें कोई और गैसेस मिक्स होती है, इस वजह से भी ऐसा होता है। और कई बार ये जो हमारी पाइप है इसमें भी कई बार ऑयल या कचरा आ जाता है, इस वजह से गैस का प्रेशर कम हो जाता है और एयर का मिक्सिंग ज्यादा हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि हम जेट है उसका साइज बड़ा लगा देते हैं और गैस ज्यादा आती है इसमें और एयर का मिक्सिंग कम रहता है। अब मैं बता दूं कि जो हमारे जेट होते हैं, ये मेरे पास कुछ जेट है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, पहला जो जेट है वो है 58 नंबर, इसका होल बारीक होता है। उसके बाद हमारे ये 77 नंबर है, इसका होल 58 से थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद है 85 नंबर जेट, इसका होल 77 से भी थोड़ा बड़ा होगा। इसके बाद आगे मैंने लिए हैं दो जेट, ये 110 नंबर और 180 नंबर जेट हैं। ये हलवाई यूज करते हैं जो बड़ी भट्टी होती है उसमें, और ये छोटी भट्टी चाय वाले हैं वो यूज करते हैं। हमारे जो घरेलू सिलेंडर है, सॉरी घरेलू हमारे जो गैस स्टोव है उसमें छोटा जो हमारा बर्नर है उसमें 58 नंबर, कई बार 65 नंबर भी यूज करते हैं, और जो बड़ा चूल्हा है उसमें 77 या फिर 85 नंबर जो है उसको यूज करते हैं। तो हमें क्या है कि ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि जितना छोटा होल होगा उतनी ही प्रेशर के साथ गैस आगे सप्लाई होगी। तो हमारे को अगर गैस रेड कलर की येलो कलर की आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके 65 नंबर जेट लगा हुआ है तो आप उसकी जगह पे 58 नंबर भी लगा सकते हैं। अगर आपके 77 नंबर लगा रखा है उसकी जगह भी 65 लगा सकते हैं, मतलब 58 से लेकर के 85 के बीच का जेट लगा करके एडजस्टमेंट की जा सकती है ताकि हमारे जो रेड कलर की फ्लेम है वो कम आए। अगर रेड कलर की फ्लेम या येलो कलर की फ्लेम मिक्स आ रही है, प्योर ब्लू फ्लेम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रही है, गैस का वेस्टेज हो रहा है। रेड या येलो कलर की जो फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री के आसपास होता है, और ब्लू कलर की जो प्योर ब्लू कलर की जो फ्लेम आएगी तो उसका टेम्परेचर लगभग 1980 कहने वाला 2000 डिग्री के आसपास होता है। तो ये आप समझते हैं कि आपका जो गैस चूल्हा है, गैस स्टोव है, उसकी फ्लेम ब्लू ही रहनी चाहिए। और प्योर ब्लू आपको लाना है उसके लिए तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इवन गैस एलपीजी जो सिलेंडर है उसमें गैस है वो कैसी है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, रेगुलेटर चेक करना पड़ेगा, हमें पाइप भी चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारे को ये कोक है गैस कोक को भी चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें अपने मिक्सिंग ट्यूब को भी चेक करना पड़ेगा, और ये जो बर्नर है ये भी चेक करना पड़ेगा अच्छी तरह से। एक एक चीज को कंप्लीटली अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा, जहां भी कोई ब्लॉकेज है उनको दूर करना पड़ेगा, तभी हमें प्योर ब्लू कलर की फ्लेम मिल पाएगी। तो अभी ये जो फ्लेम आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर की है काफी हद तक, हालांकि इसमें रेड कलर का और थोड़ा येलो कलर का मिक्सिंग आ रहा है। उसका कारण ये है कि एयर का मिक्सिंग सही नहीं हो रहा है, ये देख सकते हैं। जब हम इसके ऊपर लगते हैं या थोड़ा इसको इस प्रकार से करते हैं तो देखिए रेड कलर की फ्लेम आपको दिख रही है। तो इसका कारण क्या है, ये रेड कलर क्यों हो रहा है, ये रेड कलर इसका कारण ये है कि ये मिक्सिंग ट्यूब है, इसमें वाइब्रेशन होता है, एयर का मिक्सिंग है वो डिस्टर्ब होता है और हमारे रेड कलर की फ्लेम दिखाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम देखिए गैस चूल्हे को थोड़ा बहुत अगर हिलाते हैं इस प्रकार से करते हैं तो आप देखिए कैसा रेड कलर का ये फ्लेम दिख रहा है आपको, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वापस देखिए जब इसका वाइब्रेशन बंद हो गया तो ब्लू कलर की काफी हद तक ये ब्लू कलर की है, 90% तक ये ब्लू कलर ही है। तो ये क्यों हो जाता है, इसका कारण ये है कि जब आप इसको थोड़ा मूव करते हैं तो क्या होता है, एयर और जो एलपीजी हमारी आ रही है इस मिक्सिंग ट्यूब से होकर उसमें एयर का मिक्सिंग डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से रेड कलर की फ्लेम आती है। अब हम बात करें कि प्योर ब्लू कलर की फ्लेम अभी भी आप देखेंगे है तो काफी अच्छी, लेकिन बीच बीच में ये रेड या येलो कलर है, तो प्योर ब्लू कलर आप बहुत मुश्किल है आपको प्राप्त कर लेना। 100% आपको एक एक चीज 100% वर्किंग करनी चाहिए तभी आप प्योर ये ब्लू कलर की फ्लेम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये गैस स्टोव है बहुत पुराना है, कम से कम भी 8-10 साल पुराना होगा। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ये कोक है ये भी पुरानी हो जाती है, पाइप है वो तो ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन पाइप में ये जो स्टील की पाइप है इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा ब्लॉकेज रहता है। तो अब हम बात करेंगे आगे जेट अलग अलग चेंज करके हमें कैसी फ्लेम मिलती है। तो देखिए 77 नंबर तो मैंने अभी लगा ही रखा है, इसमें जेट है वो 77 नंबर है। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, 180 ही लगा देता हूँ, क्योंकि उसका होल काफी बड़ा होगा तो आपको ये गैस रेड क्यों होती है उसका भी थोड़ा कारण या आईडिया आपको पता लगेगा। तो ये देखिए मेरे पास ये 180 नंबर है जिसका होल है आपको दिख रहा है काफी बड़ा है, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा। ये 110 नंबर है इसका होल आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बारीक है, 180 की बजाय ये 180 है। और मैं आपको 58 भी पास में रख के बता देता हूँ, ये देखिए 58 नंबर है और इसका होल भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल बारीक है। और आप ये भी जानते हैं कि जितना बारीक होगा उतनी ही बारीक होल होगा उतनी ही प्रेशर के साथ गैस बाहर निकलेगी, और जितना बड़ा होल होगा उतना ही गैस का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये है 180 नंबर, ये है 110 नंबर, ये है 58, और इसके बाद ये जो दो है इनको भी मैं दिखा देता हूँ।
ये है 77 नंबर इसके पास में, और ये है आपका 85, थोड़ा दूर रख देते हैं। तो ये देखिए, अभी आपको होल है उनसे आइडिया भी आ रहा होगा कि जेट है वो कैसे प्रभावित करते हैं। ये हमारे है 58, फिर 77, फिर 85, फिर 110 नंबर, और फिर है हमारे 180। मैं अभी डायरेक्ट 180 लगा के आपको बता देता हूँ, फिट कर देता हूँ इसको। अगर आपको जेट चेंज करना है, आपको नहीं आता, तो मैं एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे प्लीज देख लें। तो मैंने क्या किया है, इसमें जो 77 नंबर का जेट लगा हुआ था उसको निकाल दिया है, और उसकी जगह पे 180 का जो हमारा ये जेट है उसको मैंने लगा दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गैस आएगी उसका प्रेशर, गैस तो ज्यादा आएगी लेकिन पूरे प्रेशर के साथ नहीं आएगी, प्रेशर उसका कम होगा। अब हम देखते हैं कैसी बर्निंग होगी इसकी। तो पहले मैं बिना बर्नर के चलाता हूँ, ये देखिए कैसी गैस आ रही है। अब ये ऐसी गैस क्यों आ रही है, इसका कारण यही है कि 180 का जो जेट है बहुत बड़ा उसका होल है। तो क्या होता है, गैस तो ज्यादा आ रही है और एयर का मिक्सिंग कम हो रहा है, तो इस वजह से ये ऐसी फ्लेम आ रही है। मैं आपको बर्नर भी लगा के बता देता हूँ, मैं इसे बर्नर लगा देता हूँ, ठंडा हो गया ये, ध्यान रखें ठंडा होने पे इसे लगाएं। अभी ये देख सकते हैं इस प्रकार की ये फ्लेम देगा अगर आप 180 का लगा दोगे, तो 180 का जेट लगाने पर। अब मैं आपको यहाँ पर इसी का जेट चेंज करूंगा। जेट चेंज करने के लिए आपको लोग 6-7 नंबर की चाबी या प्लस से आप चेंज कर सकते हैं। आपको वापस ये खोलना पड़ेगा, आपको मिक्सिंग ट्यूब को बर्नर को हटाना पड़ेगा, और नीचे की साइड में जो जेट है वो आप खोल सकते हैं। तो ये है मेरे पास, अभी आपको दिखाई देता हूँ, ये 58 नंबर में अभी जेट इसमें लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये 58 नंबर जेट अभी लगा के मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका होल बारीक है काफी। मैंने उसे जो 180 का खोल दिया, और यहीं से मैं इसको लगा देता हूँ, क्योंकि बार बार इसको चूल्हे को उल्टा करना, ध्यान रखें मैं गैस को जलाने के बाद थोड़ी देर बाद ही ये काम करता हूँ, क्योंकि ये सब ठंडा हो जाना चाहिए, मिक्सिंग ट्यूब और जो बर्नर है। और इसको बहुत ज्यादा आप इस जेट को कभी ना कसें, हल्का सा बस इसको कसें, हल्का सा ये आप चाबी लेकर के हल्का सा ही कसेंगे, ज्यादा इस पे अगर आप कोशिश करेंगे कसने की तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाता है। अभी मैं इसमें मिक्सिंग ट्यूब लगा देता हूँ, बर्नर लगा के आपको जला के बताता हूँ। अभी मैंने 58 नंबर जो जेट है वो लगाया है, और आप देखते हैं गैस है उसमें जो रेड कलर का या येलो कलर का टिंट था वो थोड़ा कम हो गया है। ये देखिए, अभी हम अगर जेट की बात करें, इसको मैं थोड़ा, ये सब फिर रेड कलर मिक्सिंग आ रहा है, येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब यही है कि जिस समय इसमें वाइब्रेशन होता है तो उस समय क्या होता है, एयर और गैस का मिक्सिंग जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो कुल मिला के अगर आपको रेड कलर का या येलो कलर के फ्लेम को दूर करना है, तो आप जेट के साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा रिजल्ट मिल जाएगा, और बाकी कंप्लीट क्लीनिंग कर सकते हैं। 100% रिजल्ट प्राप्त करना तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है अभी, क्योंकि इसके लिए तो बहुत हाई क्वालिटी का आपको गैस स्टोव चाहिए। ये गैस स्टोव नॉर्मली है और बहुत पुराना है, फिर भी काफी हद तक इसमें ये ब्लू कलर की ही फ्लेम आपको दिख रही होगी, ये देखिए रेड कलर या येलो कलर बहुत कम आ रहा है। तो इस प्रकार से आप जेट को चेंज करके या फिर पूरी तरह से इसको क्लीनिंग करके गैस चूल्हे को, कहने का मतलब बर्नर को, अंदर मिक्सिंग ट्यूब को, ये जो नोब है हमारी इसके अंदर आगे जो कोक है उसको खोल करके अच्छी तरह से, ये अंदर की स्टील पाइप है इसको अच्छी तरह से साफ करके, और ये जो हमारी ट्यूब है इन सबको आपको चेक करके आप प्योर जो ब्लू फ्लेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जेट बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताया। बहुत बड़ा जेट लगा देंगे तो बिल्कुल रेड कलर की फ्लेम आएगी, और बहुत ज़्यादा बारीक होल का भी आप जेट लगा देंगे 58 से भी छोटा, तो आपके सही ढंग से आपको गैस चूल्हा सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो फिर भी इसमें मैंने थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश की है रेड कलर और ब्लू कलर की फ्लेम के बारे में और जेट के चेंजेस के बारे में। तो कैसा आपको वीडियो, अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और मुझे ये बताएं कि आपको ये गैस चूल्हे से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं उस टॉपिक को कवर कर सकूं। अभी एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि ये जो नोब हमारे अंदर की टाइट हो जाती है, या इसमें स्क्रैच आ जाते हैं, या इसमें से यहाँ से आग निकलती है, उन सबका सॉल्यूशन, आपको ये नई कोक लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसकी बजाय आपको इसी कोक को भी आप रिपेयर कर पाएंगे, ऐसा मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो देखते रहिए मेरे वीडियो, अपना ये कीमती समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।